कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई है। इस दिन एकादशी को देव उठनी एकादशी या देवोत्थापन एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, यानी देव जागरण का पर्व है कार्तिक मास शुक्ल एकादशी। इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। कहते हैं कि चातुर्मास के 4 महीनों में सभी मांगलिक काम रुक जाते हैं। वहीं श्री हरि के जागने और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह उत्सव मनाने के बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर विधि विधान के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह उत्सव मनाते हैं, उनके जीवन में सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है, रोगी को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली के सभी ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का आनंद प्राप्त करता है। इसके साथ ही उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति जीवन में दैहिक दैविक भौतिक सभी सुखों का भोग करता हुआ अंत समय पर भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। आइए आपको बताते हैं कि इस साल आप तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव कब मनाएं, कब है देव उठनी एकादशी। 11 नवंबर को शाम 6:46 पर शुरू होगी एकादशी तिथि। 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। 12 नवंबर को देव उत्थापन एकादशी व्रत करें। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। स्मार्त और वैष्णव सभी के लिए एक ही दिन है एकादशी। इस साल दुर्लभ संयोग में है एकादशी पर्व। एकादशी व्रत पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। एकादशी तिथि पर रहेगा रवि योग। एकादशी तिथि पर रहेगा हर्षण योग। शिववास योग में बनेगा एकादशी पर्व। कैलाश पर विराजमान रहेंगे महादेव। एकादशी पर रहेगा उत्तराभाद पर नक्षत्र। एकादशी पर रहेगा वबकरण। इन सभी योगों में पूजा का मिलेगा अक्षय पुण्य। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का मुहूर्त 4:55 से 5:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:28 से 5:54 तक रहेगा। प्रदोष काल का मुहूर्त 5:28 से 6:47 तक रहेगा। इस साल 12 नवंबर को तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव और देव उठनी एकादशी का पर्व मनाना शुभ होगा। आइए अब आपको बताते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह की सबसे सरल विधि। तुलसी जी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, उसे फूल आम अशोक के पत्तों से सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। अष्टदल कमल पर शालिग्राम जी या गोपाल जी का विग्रह रखें, सिंहासन सहित विग्रह स्थापित करें, शालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक करें, तुलसी जी का पंचोपचार विधि से पूजन करें। एकादशी है इसलिए जल न चढ़ाएं। तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं, शालिग्राम जी या गोपाल जी को पीला दुपट्टा पहनाएं, चुनरी और दुपट्टे में गांठ बांधें, तुलसी जी को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें, शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र अर्पित करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं, तुलसी जी के चारों तरफ दीप दान करें, घी के दीपक से आरती करें, आरती के बाद दंडवत प्रणाम करें, पूजा में गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें, सामर्थ्य के अनुसार तुलसी शालिग्राम जी की परिक्रमा करें, तुलसी शालिग्राम जी के पास बैठकर हरिनाम संकीर्तन करें, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, तुलसी नामाष्टक का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें, गौशाला में दान दें, गरीबों को दान दें। इस विधि से हमें तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव मनाना चाहिए, जिससे कि हमें तुलसी और शालिग्राम जी की कृपा प्राप्त हो, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इस उत्सव को मनाने और अपनी मनोकामना तुलसी शालिग्राम जी के चरणों में निवेदन करने से अवश्य पूरी होती है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति।